KFC जिनका चिकन रेसिपी आज पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि एक समय 1009 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों एक बार सोचिए, हम लोग अपना लाइफ में एक बार दो बार फेल होने से ही हार मान लेते हैं, लेकिन KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने ये प्रूव कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और उम्र भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप में वो जीत, जज्बा और जुनून है अपना टारगेट को अचीव करने के लिए, कर्नल सैंडर्स ने अपना लाइफ में एक बार दो बार फेल नहीं हुआ, उन्होंने अपना लाइफ में लगातार फेल हुआ पर उन्होंने कभी हार नहीं माना और प्रयास करते गए और 65 साल की उम्र में उन्हें सक्सेस मिला। दोस्तों इतिहास गवाह है, इस दुनिया में जितना भी सक्सेस पर्सन है उन हर कोई के लाइफ पहले फेलियर से भरा हुआ था या लाइफ में बहुत कठिनाई था और संघर्ष किया था। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कल का दिन अच्छा करना है तो आज का दिन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा सक्सेस। तो आइए मैं आपको उनके बारे में कुछ रोचक कहानी बताता हूँ जो शायद आपको अपना लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन दे और फेल होने का डर खत्म कर दे। क्योंकि कर्नल सैंडर्स ने 1009 रेस्टोरेंट में रिजेक्ट होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और कोशिश करते गए और एक दृढ़ संकल्प रखा। तो इसी तरह से आपको भी लाइफ में अगर सक्सेस बनना है और अपना टारगेट को अचीव करना है तो चाहे जितना भी फेलर, जितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोशिश करते रहना है। दोस्तों उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ी सोच, उद्देश्य पूर्ति के लिए पक्का इरादा और कभी हार ना मानने वाली जज्बा की आवश्यकता होती है। मुसीबतें तो हमारे जीवन की एक सच्चाई है, कोई इस बात को समझ लेता है और कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे उन्होंने अपना जीवन में हर वो फेलियर्स को हार मनाते हुए सक्सेस को हासिल की। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 यूएसए के एक छोटा सा गांव इंडियाना का हेनरीवाल में हुआ था। उनका पूरा नाम कर्नल हार्नेल डेविड सैंडर्स है। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका पापा एक फार्मर और माँ एक हाउसवाइफ थे। 5 साल के उम्र में उनका पापा का मृत्यु होने के कारण परिवार को चलाने के लिए उनका मम्मी को एक टोमेटो सॉस कंपनी में काम करना पड़ा और अपना 4 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे उनके ऊपर आने लगे और उन्होंने 5 साल से शुरू करके 65 साल तक कभी हारना मानते हुए अपना जीवन में हर वो मुश्किल और कठिनाई का सामना करके सफलता का एक बहुत बड़ा मुकाम को हासिल की। उनका शुरुआती जीवन एक फार्मर से शुरू हुआ था और आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण 16 साल के उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और वे 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए और घर का देखभाल, खाना बनाने से शुरू करके घर का सारा काम उन्हीं को करना पड़ता था। और 7 साल के उम्र में उनका मम्मी उन्हें कुकिंग का फुल्ली ट्रेनिंग दे दिया था और उन्हें चिकन बनाना बहुत पसंद था। और फिर कुछ दिन बाद सन 1902 में उनका मम्मी एक दूसरी शादी कर ली विलियम ब्रॉडस से और उनका परिवार इंडियाना का ग्रीनवुड में शिफ्ट हो गए और अपना स्टेप फादर के साथ रिलेशन ठीक ना होने के कारण 13 साल के उम्र में ही उन्होंने परिवार छोड़ दी और एक कंपनी में हॉर्स कैरेजेस पेंटिंग जॉब ज्वाइन की। फिर कुछ दिन बाद कुछ कारणवश उन्हें वो जॉब छोड़ना पड़ा और सन 1906 में वो अपना अंकल के पास इंडियाना का न्यू अल्बाना शहर में चले आए। उनका अंकल एक स्ट्रीट कार कंपनी में काम करते थे और इसी के साथ उनको एक बस कंडक्टर की काम मिला था। सैलरी कम होने के कारण उन्हें वो जॉब भी छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने अपना उम्र को छुपाते हुए आर्मी में ज्वाइन की और 1 साल के बाद उन्हें वो जॉब से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेलवे में मजदूरी की। फिर कुछ दिन बाद उन्हें रेलवे में फायरमैन का जॉब मिला और वहीं पे उन्हें जोसेफाइन नाम का एक लड़की से मुलाकात हुआ और उन्होंने उनसे सन 1931 में शादी कर ली और 1 साल के बाद उनका एक लड़का हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उनका टॉन्सिल होने के कारण उनका भी मृत्यु हो गया था। वो इतना अनलकी होने के कारण उनका पत्नी भी उनका साथ छोड़ दिया और वो चले गए और वर्कर के साथ झगड़े के चलते हुए उन्हें रेलवे का जॉब से भी निकाल दिया गया। इसके बाद हताश सैंडर्स फिर से अपना मम्मी के पास चले आए। यहाँ पे उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था लेकिन यहाँ पे भी आदर्शों की अवहेलना का चलते हुए उन्हें ये नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। सैंडर्स बार बार मिल रही असफलता से हताश जरूर थे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना और सन 1920 में उन्होंने बोट बनाने की कंपनी खोली और उनका ये आइडिया भी फ्लॉप रहा। फिर कुछ समय बाद उन्होंने लैंप बनाने की विचार बनाया और उनका ये आइडिया भी किसी ने चुरा के बाजार में उनका पहले एक अच्छी लैंप की कंपनी खोली और ये बिजनेस भी वो कर नहीं पाए। लाखों कोशिश करने के बावजूद भी सैंडर्स की जिंदगी पटरी पे नहीं आ रही थी। उन्होंने अपना जीवन में हर वो छोटा से छोटा काम किया, बस की कंडक्टर की नौकरी की, रेलवे में मजदूरी की, क्रेडिट कार्ड बेचे, टायर का दुकान में काम किया, पर कहीं पे वो टिके नहीं और 40 साल के उम्र में उन्होंने कंटिकी नाम का एक शहर में चले आए और यहाँ आके उन्होंने एक गैस का दुकान खोले और गैस का दुकान भी उतना नहीं चलने के कारण उसके बगल में एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान खोले और कुछ ही दिनों में उनका ये फास्ट फूड की दुकान खूब चलने लगे और वह गैस की दुकान बंद करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल ली। और सैंडर्स ने डिसाइड किया कि वह आगे जाके चिकन की पकवान
सामान बेचने का काम करेंगे। और एक दिन जब केंटकी के गवर्नर रूबी लेफू ने सैंडर्स के रेस्टोरेंट से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उनका रेस्टोरेंट में प्रवेश किया और उन्हें उनका चिकन रेसिपी बहुत पसंद आया और उन्होंने उनका रेस्टोरेंट का नाम केंटकी कर्नल रखा और तब से उनका नाम कर्नल सैंडर्स हो गए। अब केंटकी के लोग धीरे धीरे सैंडर्स का चिकन रेसिपी का दीवाना हो गए थे और लोग भी धीरे धीरे उन्हें जानने लगे। पर यहाँ पर भी उनका सफर खत्म नहीं हुआ। जिंदगी में पहली बार थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से वो अपना बिजनेस को और थोड़ा बड़ा करने के लिए सोच ही रहे थे कि हाईवे होने के कारण उनका वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा और आखिरकार वो एकदम टूट चुके थे लाइफ में इतना बार फेल होके। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे और बहुत बार उन्होंने सुसाइड करने का कोशिश भी किया था। फिर उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट में एज ए कुक एक नौकरी ज्वाइन की और 64 साल के उम्र में उन्होंने उस रेस्टोरेंट से रिटायर होते वक्त सिर्फ $105 का एक चेक मिला, जो उस समय किसी भी इंसान का सिर्फ एक महीने ही खर्चा चलाने का पैसा था। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं माना। अब तक सैंडर्स अपना चिकन रेसिपी लोगों को चखा चुके थे, पर उनका रिटायर होने के कारण उनका ये काम भी बंद हो गया और वह एक सिद्धांत लिया कि उन्हें अपना चिकन रेसिपी को घर पे ही बना के डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट में प्रोवाइड किया जाए और वह एक उद्योग उठाया और काम शुरू कर दिया। पर कोई भी रेस्टोरेंट के मालिक उनका चिकन रेसिपी को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनका जीत तो जीत थी और उनके जीत के आगे असफलता भी घुटने टेक दिए और लगातार 1009 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट करने के बाद फाइनली 1010 नंबर रेस्टोरेंट के मालिक उनका चिकन रेसिपी को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और 65 साल की उम्र में उन्हें ये सक्सेस मिला और आज KFC 118 कंट्रीज में पाए जाते हैं। दोस्तों, आज कर्नल सैंडर्स हम लोग को बीच नहीं रहे। सन 1980 16 दिसंबर उनका देहांत हो गए, पर जब तक ये दुनिया है तब तक उनका नाम जिंदा रहेगा। दोस्तों, एक बार सोचिए, जो साल के उम्र में आदमी रिटायर्ड हो जाता है, कुछ करने का इच्छा शक्ति नहीं रहता है, वो उम्र में भी उन्होंने हार नहीं माना और कठिन परिश्रम और मेहनत करके और अपना अपार असफलता को दूर करके कभी हार ना मानते हुए 65 साल के उम्र में उन्होंने सफलता को हासिल की। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का लाइफ हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि अगर आप में वो जज्बा और जुनून है लाइफ में कुछ करने का, तो चाहे जितने भी फेलर्स क्यों ना आए, एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे। तो फेल होने से ना डरे और अपना काम पे फोकस करे और जब तक सक्सेस ना मिले तब तक कोशिश करते रहिए। और फाइनली मैं उनका एक लाइन से ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। आई कैन एक्सेप्ट फेलर, एवरीवन फेल्स एट समथिंग, बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।